कि हम चाहते तो आज इस सड़क पर उतर जाते, हम चाहते तो आज ही घेर लेते। मध्य प्रदेश में एक तरफ लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ सियासदा अपनी सियासी रोटी सेकने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सर गांव में गायें बकरियां और खेती बाड़ी धान गेहूं किसी का कुछ भी नहीं बचा और घर किसी का भी नहीं बचा। दरअसल ताजा मामला मंदसौर का है जहां बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए धरना देने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तकरार हो रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ पीड़ितों को सरकारी मदद दिलाने के लिए मंदसौर कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए तो प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगा दी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान नए कलेक्ट्रेट भवन के बाहर ही जनता अदालत लगाकर बैठ गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रशासन ने धारा 144 लगाई है, वो चाहे तो 288 भी लगा दें। हम चाहते तो आज इस सड़क पर उतर जाते, हम चाहते तो आज ही घेर लेते, लेकिन आज हम सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। अभी आज हम घेर नहीं रहे हैं, आज हमने अभी जनता की अदालत लगाई है। इसमें हम कम बोलेंगे, बोलेंगे हमारे नेतागण, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता भी बोले और अपनी तकलीफ बताए कि हमारे गांव में कैसी तबाही हुई है, हमारे घर में कैसी तबाही हुई है। आज आपके मुंह से मीडिया भी है, हम आपकी तकलीफ सुनेंगे, एक एक तकलीफ को मैं भी नोट करूंगा, मेरे साथी भी नोट करेंगे और उन तकलीफों को लेके फिर सरकार से कहेंगे कि जनता की सारी तकलीफें दूर करो, दूर करो। और सरकार अगर नहीं सुनेगी तो फिर सरकार को चैन की सांस नहीं लेने देंगे, फिर जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पहली कोशिश है कि हम बताएं, धरना इसलिए कि सरकार जग जाए, उठ जाए। बहरहाल ये तो सियासी लड़ाई है जिससे सत्ता की चाबी पाने के लिए राजनेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, वे फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के नेता, सब पीड़ितों के रहनुमा बनकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। मंदसौर से न्यूज के लिए संजय जैन की रिपोर्ट।